अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। आपको कोई गलतफहमी नहीं इंस्पेक्टर, मेरी अम्मी ने दहेज मांगा। सुभान, और इबादत अख्तर ने कंप्लेन की। मैंने कुछ नहीं किया सुभान। मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं की, बट वीडियो मेरे ही फोन से सेंड किया गया है। किसने किया होगा ये? तुम चाहती हो कि सुभान और इबादत की शादी के बदले अख्तर खानदान की सारी प्रॉपर्टी मैं सुभान के नाम पे कर दूँ ना? ठीक है, सारी प्रॉपर्टी सुभान के नाम पर हो जाएगी। खुदा खैर करे, दुआ। मेरे बच्चों का हक सुभान को देकर तूने अच्छा नहीं किया। अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। हेलो, जोरबाग पुलिस स्टेशन जी, मैं इबादत अख्तर बोल रही हूँ, दुआ अख्तर की बेटी। सर वो एक्चुअली मुझे कंप्लेन करनी थी अपनी होने वाली सास के बारे में। सर आप तो जानते हैं ना कि दहेज मांगना और लेना संगीन जुर्म है। और सर मेरी होने वाली सास जिनका नाम कायनात हफीज सिद्दीकी है, उन्होंने मेरी अम्मी से बहुत बड़ी कीमत मांगी है। सर वो सबूत है मेरे पास, मैं वो मैसेज भेज सकती हूँ आपको। खुदा के लिए सर, इस जुर्म को रोकने में आप मेरी मदद कीजिए सर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी मैं अभी भेजती हूँ सर वीडियो। शुक्रिया सर, खुदा हाफिज। खुदा खैर करे, बहुत खूब गुलनाज बेगम, बहुत खूब। अब कायना जाएगी जेल और सुभान और इबादत की शादी होगी फेल। शर्म आनी चाहिए आपको। अभी भी किसी को कुछ कहना है या फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू करें? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी ने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम सब शर्मिंदा हैं। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। हफीज, ये मुझे जेल ले जाने की बात कर रहे हैं और तुम मुझे रोकने के लिए कुछ करोगे नहीं, मुझे बचाओगे नहीं। कायनात, तुमने गुनाह किया है और मैं गुनहगारों का साथ नहीं देता। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।